आप योगी का प्रचार करने आए हैं या न्यूज? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप अपने तो एजेंडा चलाएंगे? नहीं, पहले एजेंडा चलाएंगे के पास जवाब। मैं तो सवाल पूछने के लिए आया हूँ। आप जाइए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। अरे यहाँ जाओ, आप यहाँ से जाइए। बदमाशी मत कीजिए, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी। सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, भाग क्यों रहे हैं? सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाइए, आपका एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा मैं। अरे आपको क्या दिक्कत है? आतंकी भाग रहे देश से क्या दिक्कत है? माफिया भाग रहे उत्तर प्रदेश से क्या दिक्कत है? बताइए ना। आप छोटा सा क्लिप देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली एंकर और मौलाना के बीच बहुत खतरनाक बहस हो गई और मौलाना धक्का मुक्की पर उतर आए। और बेसिकली ऐसी बहस टीवी पर होती हैं, और दो तरीके के मीडिया मुसलमानों के लिए हैं और जो बीजेपी के अपोजिट हैं, गोदी मीडिया और ये। तो भैया गोदी मीडिया पर आप जाते क्यों? और ऑब्वियसली जो गोदी मीडिया कहते हैं उनके फेवरेट मीडिया भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा रवीश कुमार जिनने गोदी मीडिया शब्द इन्वेंट किया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो क्लास। यहाँ की 80 सीटें निकल जाएंगी तो कोई शक है आपको? आप योगी का प्रचार करने आए हैं या न्यूज़? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप अपने तो एजेंडा चलाएंगे? नहीं, पहले एजेंडा चलाएंगे? नहीं, आप एजेंडा चलाएंगे? आप एजेंडा चलाएंगे? नहीं, पहले तो बताइए आप एजेंडा चलाएंगे या सवाल का जवाब देंगे? आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? पहले ये बताइए सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, उसका जवाब है आपके पास कि नहीं है? आपके पास जवाब? मैं तो सवाल पूछने के लिए आया हूँ। आप जाइए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। अरे यहाँ जाओ, आप यहाँ से जाइए। सम्मान के साथ सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। आप अगर सवाल का जवाब देना खड़े रहिए, आप जाइए यहाँ से। आप एजेंडा सेट करेंगे, आप एजेंडा सेट करेंगे? मैं एजेंडा सेट नहीं कर दूंगा। आप एजेंडा सेट करेंगे? एजेंडा सेट करने नहीं दूंगा। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना है। सवाल का जवाब देना है, खड़े रहिए और नहीं तो जाइए। बदमाशी मत कीजिए, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी। सर ये बताइए, अगर आतंकी खत्म हो रहे हैं, माफिया खत्म हो रहे हैं, तो सवाल पूछूंगा तो मिर्ची क्यों लगती है? देखिए ऐसा है कि जहां तक बात कानून व्यवस्था की है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। और कई डिबेट्स में मैंने इस बात को कहा, और एक बार शायद आप हमारे साथ थे भी, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे देश को जो बाहरी शक्तियों से खतरा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि गज़वे हिंद प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो भारत की तबाही और बर्बादी के लिए है, और इसके संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सलीम साहब खड़े थे, अगर आतंकियों का नाम लें, माफियाओं का नाम लें, तो क्या एक मुसलमान होने के नाते उन्हें बुरा लग जाता है? देखिए ऐसा है ना कि इस्लाम तो ये कहता है कि जिसने जुर्म किया वो एक मुजरिम है, और उस मुजरिम की हिमायत करना भी जुर्म है। आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, भाग क्यों रहे हैं? सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? सवाल का जवाब देंगे आप? सवाल का जवाब अगर नहीं दे सकते तो आप जाइए। सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाइए, आपका एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा मैं। आपका एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा सर, सर आपका एजेंडा नहीं सेट करने दूंगा। आपका एजेंडा, अगर आप कोई एजेंडा लेकर आए हैं तो मैं एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा। अरे आपको क्या दिक्कत है? आतंकी भाग रहे देश से क्या दिक्कत है? माफिया भाग रहे उत्तर प्रदेश से क्या दिक्कत है? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, बताइए ना। आप जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब नहीं दे सकते तो बोलिए। मैंने तो पूछा सवाल, आतंकी भाग रहे आपको दिक्कत है? खुशी है, खुशी आतंकी भागना चाहिए। एक भी आतंकी नहीं हो, किसी धर्म का भी हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो दुबे हो, लेकिन न्यूट्रल का हम जिम्मेदारी है कि चैनल पर नहीं तो न्यूट्रल काम ये होता है कि आतंकी को आतंकी नहीं कहो। न्यूट्रल काम ये होता है कि अच्छा कहे करे तो अच्छा नहीं कहो। न्यूट्रल काम ये होता है कि कोई बुरा करे तो बुरा नहीं कहो। आप अगर न्यूट्रल लेकर बात करेंगे तो जवाब दे पाएंगे, लेकिन आप एजेंडा सेट करके आए। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, आतंकी भाग रहे हैं, माफिया भाग रहे हैं, तो इस मॉडल की चर्चा हो रही है, और इस मॉडल पर कहा जा रहा है कि 2024 में यहाँ की 80 सीटें निकल जाएंगी, तो कोई शक है आपको? आप योगी का प्रचार करने आए हैं या न्यूज? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप अपने तो एजेंडा चलाएंगे? नहीं, पहले एजेंडा चलाएंगे? नहीं, आप एजेंडा चलाएंगे? आप एजेंडा चलाएंगे? नहीं, पहले तो बताइए, आप एजेंडा चलाएंगे या सवाल का जवाब देंगे? आप सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? पहले ये बताइए, सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, उसका जवाब है
आपके पास कि नहीं है? आपके पास जवाब है? मैं तो सवाल पूछने के लिए आया हूँ। आप जाइए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए यहाँ से, आप भागिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। अरे यहाँ जाओ, आप यहाँ से जाइए। सम्मान के साथ सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। आप अगर सवाल का जवाब देना खड़े रहिए, आप जाइए यहाँ से। आप एजेंडा सेट करेंगे, आप एजेंडा सेट करेंगे, मैं एजेंडा सेट नहीं कर दूंगा। आप एजेंडा सेट करेंगे, एजेंडा सेट करने नहीं दूंगा। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना है। सवाल का जवाब देना है, खड़े रहिए और नहीं तो जाइए। बदमाशी मत कीजिए, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी। सर ये बताइए, अगर आतंकी खत्म हो रहे हैं, माफिया खत्म हो रहे हैं, तो सवाल पूछूंगा तो मिर्ची क्यों लगती है? ऐसा है कि जहाँ तक बात कानून व्यवस्था की है, इसमें कोई दोराय की बात नहीं। और कई डिबेट्स में मैंने इस बात को कहा, और एक बार शायद आप हमारे साथ थे भी, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे देश को जो बाहरी शक्तियों से खतरा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि गज़वे हिंद प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो भारत की तबाही और बर्बादी के लिए है, और इसके संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सलीम साहब खड़े थे, अगर आतंकियों का नाम लें, माफियाओं का नाम लें, तो क्या एक मुसलमान होने के नाते उन्हें बुरा लग जाता है? देखिए ऐसा है ना कि इस्लाम तो ये कहता है कि जिसने जुर्म किया वो एक मुजरिम है, और उस मुजरिम की हिमायत करना भी जुर्म है। आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, भाग क्यों रहे? सवाल का जवाब देंगे, सवाल का जवाब देंगे, सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? सवाल का जवाब देंगे आप? सवाल का जवाब अगर नहीं दे सकते तो आप जाइए। सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाइए। आपका एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा मैं, आपका एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा सर, सर आपका एजेंडा नहीं सेट करने दूंगा। आपका एजेंडा, अगर आप कोई एजेंडा लेकर आए हैं तो मैं एजेंडा सेट नहीं करने दूंगा। अरे आपको क्या क्या दिक्कत है? आतंकी भाग रहे देश से, क्या दिक्कत है? माफिया भाग रहे उत्तर प्रदेश से, क्या दिक्कत है? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, बताइए ना। आप जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब नहीं दे सकते तो बोलिए। मैंने तो पूछा सवाल, पूछा आतंकी भाग रहे, आपको दिक्कत है? खुशी है, खुशी आतंकी भागना चाहिए, एक भी आतंकी नहीं हो, किसी धर्म का भी हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो दुबे हो, लेकिन न्यूट्रल का हम जिम्मेदारी है कि चैनल पर नहीं तो न्यूट्रल का ये होता। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि क्या कर रहे हैं, मतलब मीडिया वाले योगी जी का प्रमोशन करने आए। बेसिकली ये डिबेट हो रही है, आपको पता है 2024 का इलेक्शन यूपी से ही जाता है, लोकसभा का रास्ता यूपी ही मेन है, यूपी ही सब कुछ है, और यूपी से ही बीजेपी को दो बार इतनी अविश्वसनीय सफलता मिली है कि उनको बहुमत के लिए ज़्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो यूपी में योगी जी जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, उस माफियाओं की बात बाद में मौलाना साहब को लग गया तिनका, और जिस तरीके से मौलाना तिनके उसके बाद तो आप देख सकते हो माहौल क्या हुआ। और बस फिर एंकर ने भी बहुत सही जवाब दिया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट अपनी राय दें, चैनल को